जय हिंद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए वैकेंसी निकाली है। क्या है इस पूरे नोटिफिकेशन में, इसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, क्या है डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी स्टार्टिंग डेट 17 अगस्त से लास्ट डेट 16 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद फीस क्या होगी। फीस है कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2021 के लिए ₹800 जनरल और OBC, इसके बाद ₹600 आपको देना है SC ST वालों को। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी ₹600 देना है, जो रिजर्व कोटे वाले हैं उनको ₹600 देना है। एक्स सर्विसमैन का कोटा आगे बताता हूँ कितना है। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म में आप चेंजमेंट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट आप www.इलाहाबाद हाई कोर्ट.in पर लॉग इन करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उससे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाने हैं। ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट का एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। कई लोग तो दो दो भर देते हैं, वो दो दो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है वैकेंसी कैसी क्या है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर की असिस्टेंट की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इनको बोलते हैं, तो इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो है 15 वैकेंसी है, और इनको पे लेवल 4 का दिया जाएगा ₹25,500 से ₹81,100। सेवन्थ पे कमीशन में इनका पे लेवल इस लेवल में रहेगा। अभी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री चाहिए, इसके बाद किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो इसमें जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो डिग्री है वो काम आ जाएगी, जो मतलब सेना के थ्रू मिलती है उनको वो काम आ जाएगी इसमें। इसके बाद डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर से, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो ओ लेवल की कंप्यूटर सर्टिफिकेट चल जाएगी, या और आप CCC सर्टिफिकेट चल जाएगी। और इसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन है उनके उनके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट सेना के थ्रू मिलती है वो भी चल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइपिंग स्पीड, आपको इसमें मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, हिंदी की जरूरत नहीं, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड ये होनी चाहिए, ये टेस्ट होगा इसका, तो ये ध्यान रखना टाइपिंग स्पीड भी आपको जरूरी है। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें, कोटा रिजर्वेशन क्या है, तो इसमें रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए 21% और शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए 2%, इसके बाद बैकवर्ड के लिए 27%, अनरिजर्व हैं, बाकी जो बचते हैं वो अनरिजर्व आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभी इसमें रिजर्वेशन में, वुमेन का 20% रहेगा पूरी वैकेंसी, इसके बाद एक्स सर्विसमैन का 5% रहेगा जितनी वैकेंसी उसमें, एक्स सर्विसमैन 5%, स्पोर्ट्समैन 1%। तो ये ध्यान रखना कि ये वैकेंसी में काफ़ी एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन है, तो आप इसमें अप्लाई करें, आज ही अप्लाई करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक से आप लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो हम बना देंगे। जय हिंद।